नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर सीएम नीतीश करेंगे आंदोलन। लालू नीतीश ने बिहार के साथ किया है बड़ा पाप, सम्राट चौधरी बोले। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर बोले तेजस्वी, यादवों को अलग करने वालों को शुभकामनाएं। रामकृपाल की चुनौती, लालू आरोपों को साबित करे तो राजनीति में से ले लेंगे संन्यास। नई बहाली पर मांझी का बड़ा आरोप, बिहार में हो रहा पोस्टिंग घोटाला। बिहार में धार्मिक जुलूस को लेकर नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश, के पाठक का फरमान, छठ पूजा में शिक्षकों को आना होगा स्कूल। लालू यादव के करीबी अमित कात्यायन को फिर 6 दिनों की रिमांड पर लिया गया। नीलेश मुखिया मर्डर केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पटना में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस बार आर या पार के मूड में आ गए हैं। पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करने के दौरान सीएम नीतीश ने एक बार फिर से स्पेशल स्टेटस की मांग दोहराई है। सीएम ने कहा कि बिहार को जल्द से जल्द केंद्र सरकार विशेष राज्य दर्जा देने का काम करे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। सीएम ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा देने में और अधिक देरी करे तो हम एक मूवमेंट शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष उठाई है। इसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले अपना इलाज कराएं, तब बिहार की चिंता करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपील की है, लेकिन मैं उनका पैर पकड़कर कहता हूं कि पहले वे स्वस्थ हो जाएं। नीतीश कुमार और उनके बड़े भाई लालू प्रसाद ने बिहार के साथ जो पाप किया है, जनता इसका हिसाब करेगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको छूट है, जिसको जो करना है करे। बिहार में यादव वोट बैंक को लेकर बीजेपी और आरजेडी में जंग छिड़ गई है। बीजेपी की ओर से यदुवंशी सम्मेलन के आयोजन के बाद लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर जमकर बरसे थे। यादव वोट बैंक को लेकर मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा तो यादवों को राजद से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि करने दीजिए, किसी को थोड़ी रोक है। बता दें कि तेजस्वी अपने पिता लालू यादव के साथ कोलकाता जा रहे थे, इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। लालू यादव के आरोपों पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो बौखलाहट और घबराहट में हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि यादवों के सम्मेलन में लालू बौखला गए हैं, अगर हमने होटल पर कब्जा किया है तो उसका वह सबूत दे, या साबित हो जाएगा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जो होटल कब्जा किया है वह लालू यादव के नाम पर लिख दूंगा। वही लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। बीपीएससी से चयनित 1,20,000 शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू हो गई है। ऐसे में नए बहाल टीचरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में टीचरों की पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति में तो धांधली कर ली, अब पोस्टिंग में भी घोटाला शुरू हो गया है। मोटा माल लेकर बाहर राज्यों के शिक्षकों की पदस्थापना शहरों में कर बिहारी शिक्षकों को गांवों में भेजा जा रहा है। पैसे में बहुत शक्ति होती है भाई, पता नहीं सरकार में शामिल चाचा भतीजा अनाज खाते हैं या नोट। बिहार में धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूस के लिए कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। लाठी तलवार भाला बर्छी पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार की तरफ से सभी डीएम को पत्र जारी कर कहा गया है कि इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि बिना लाइसेंस किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाए। इसी के साथ ही जुलूस में तेज लाउडस्पीकर नहीं बजाने के भी आदेश का पालन करवाया जाए। अब जुलूस में शामिल होने वाले 15 से 20 लोगों की लिस्ट देनी होगी। उनको यह बताना होगा कि जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने टीचरों के लिए छठ की छुट्टी रद्द कर दी है। राज्य के जितने भी हेडमास्टर हैं वो स्कूल आएंगे, हालांकि इस दौरान उन्हें पठन पाठन का कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि इस दौरान स्कूलों में बच्चों को पहले की तरह ही छुट्टी रहेगी। अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल शिक्षकों की छुट्टियां 17 से लेकर 21 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। इस दौरान प्रिंसिपल स्कूल आएंगे। हालांकि बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया गया है, यानी अब इन्हें छठ पूजा के दौरान भी स्कूल आना होगा।
लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को ईडी ने फिर से रिमांड पर ले लिया है। 11 नवंबर को गिरफ्तार किए गए अमित कात्याल को ईडी ने 16 नवंबर तक रिमांड पर लिया था, जहां आज कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने फिर से उसकी रिमांड मांगी है। ईडी ने कहा कि कात्याल से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, इसीलिए उससे और पूछताछ करना जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने उसे 22 नवंबर तक ईडी की रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। पटना के चर्चित नीलेश मुखिया हत्याकांड में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता में से एक को झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तार किया है। अब तक इस हत्याकांड में शामिल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिटी SP वैभव शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने झारखंड के जंगलों से गोरख राय को गिरफ्तार किया। गोरख राय और उसके दो भाई पप्पू राय और धप्पू राय ने 25 लाख की सुपारी देकर BJP नेता नीलेश मुखिया की हत्या कराई थी। पटना से सटे मनेर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। दरअसल मनेर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प और मारपीट की घटना हुई। इस बीच एक पक्ष द्वारा गोलीबारी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।